हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज बनाते हैं लौकी का रायता। और लौकी का रायता बनाने के लिए एक हम लौकी लिए हैं, इसे आधा कट कर लेंगे और आधी लौकी का रायता बनाएंगे। इसे कट कर लिए हैं और ये लौकी घर की ही है, हमारी छत पे ही फली हुई थी। तो इससे रायता बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इसे हम चार पीसेस में कट करके और फिर इसे हम चाकू की सहायता से छील लेंगे। और छीलने के बाद इसे एक साइड में रख लेंगे। अब हम लेते हैं एक कद्दूकस, जो कद्दूकस आता है जिससे हम कोई भी चीज़ें कद्दूकस कर सकते हैं। तो उसकी सहायता से हम ये लौकी को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। पानी में डाल लेते हैं लौकी जो हम आधा काटे थे और इसे अच्छी तरीके से धुल लेंगे। और धुलने के बाद हमको क्या करना है कि इसको कद्दूकस करना है, पत्ता पत्ता लच्छे में निकालना है, जिससे रायता अच्छा बन के तैयार होगा। और बहुत मोटा मोटा हाथ काटेंगे तो वो बिल्कुल सब्जी की तरह हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा खाने में भी और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको जो है हम कद्दूकस कर लिए हैं। अब हम एक कुकर में बिना तेल डाले ऐसे ही ये लौकी जो हम कद्दूकस किए हैं उसे डाल के और हल्का नमक डाल के दो सीटी लगा लेंगे। दो सीटी लगाने से क्या होगा कि ये बहुत अच्छा से गल जाएगा। तो इसे हम इस समय कुकर बंद कर लेते हैं, थोड़ा सा चला दें और चलाने के बाद कुकर बंद कर लेते हैं और दो सीटी लगा लेते हैं तेज आँच पे। बिल्कुल तेज आँच पे लगाना है दो सीटी। अब हम एक मोटा तवा लेंगे लोहे का, उसमें कुछ सूखी मिर्चें और जीरा लिए हैं और इसे डाल के अच्छे से धीमी आँच पे भूनना है। इसे ध्यान रखना है कि ये जले ना, ये तो जलने का स्वाद आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो इसे धीमी आँच पे भूनना है और धीमी आँच पे ये बहुत अच्छा भून जाता है। और इसका जब मसाला तैयार होता है तो उसको वो बहुत ही अच्छा महकता है तैयार करते समय। तो इसे हम पीस लेते हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तो इसे हम पीस लेंगे। दरदरा ही पीसेंगे, बहुत पतला नहीं पीसना है। तो ये देखिए पीस के तैयार हो गया और दरदरा हम पीस लिए हैं, बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ मसाला। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सर जार में दही लेंगे। अब दही को हम थोड़ा जल्दी बनाना है तो इसे हम हाथ से नहीं फेंटे हैं, मिक्सर जार की सहायता लिए हैं और इसे थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम फेंट लेंगे। तो दही में जीरा गिर गया था तो उसे हम निकाल दिए हैं और देखिए फेंट लिए हैं। और ज़रूरत के अनुसार इसे पानी ऐड करेंगे, क्योंकि दही बहुत गाढ़ा था तो इसमें पानी मिलाना जरूरी था तो हम इसमें पानी ऐड कर लिए हैं जितनी ज़रूरत है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार काला नमक डालेंगे, सादा नमक डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स डालने से टेस्ट अच्छा लगता है तो चिली फ्लेक्स आधा चम्मच के लगभग डाल देंगे। तो इसमें काला नमक और चिली फ्लेक्स पड़ गया। अब वो मसाला जो हम बनाए हैं घर पे, जीरा और सूखी मिर्ची का दरदरा मसाला, उसे डाल देंगे। यहाँ पर हम लौकी डालेंगे, जो लौकी बॉयल करके रखते हैं उसके पानी को अलग करके और उस लौकी को डाल देंगे और इसी चम्मच की सहायता से मिक्स कर देंगे। लौकी को हमको पकाना नहीं है तेल में, कच्चा ही ऐसे ही बॉयल करके ही डालना है। अब हम एक तड़का बना लेंगे। तो एक हम पैन लेते हैं, उसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल, उसमें डालेंगे हींग, हल्का सा जीरा और दो सूखी मिर्ची डाल के, और ये हल्का जीरा चटक जाए तो